फ्रेंड्स, अगर हम लोग डॉग्स के बारे में बात करते हैं और इन दोनों ब्रीड का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी इन दोनों ब्रीड के बारे में काफी अच्छे से जानता होगा। जी हां गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पिटबुल एंड जर्मन शेफर्ड के बारे में, जो कि वन ऑफ द फेमस डॉग ब्रीड में से एक है और दोनों ही फैमिली प्लस गार्ड डॉग्स हैं। और अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो क्वालिटी दोनों ही ब्रीड की सुपर्ब है, जैसा कि हमेशा की तरह इन ओनर के डॉग्स की होती है। बिकॉज इनके पास जो डॉग्स होते हैं वो सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इनके पपीज में आप लोगों को कभी भी क्वालिटी को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इनमें से आप लोग चाहे किसी भी ब्रीड को परचेज करो, क्वालिटी आप लोगों को बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। वैसे फ्रेंड्स, ओनर ने मुझे बताया कि ये जो जर्मन शेफर्ड पपीज हैं, ये मीडियम कोट में है, बट ये ऑलमोस्ट डबल कोट में जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो मदर है वो मीडियम कोट में है और फादर है लॉन्ग कोट में। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये जर्मन शेफर्ड पपीज हैं, ये सिर्फ मेल अवेलेबल है और जो पिटबुल है वो सिर्फ फीमेल। बाकी फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड बहुत ही हेल्दी और हैवी बोन है, क्वालिटी इनकी काफी प्यारी है। फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है, चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, ये दोनों के लिए परफेक्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं तो आप लोग पिटबुल के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि पिटबुल भी बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, बट उससे पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है ARFF गेमिंग सोम, सेकंड है पीयूष यादव एंड थर्ड है मलकीत नहर। पपीज के साथ साथ आप लोग इनके मदर फादर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये इन जर्मन शेफर्ड पपीज के मदर फादर हैं, तो इन दोनों की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि ओनर एकदम ट्रस्टेड है, आप लोग बेझिझक होकर इन्हें एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय चांस पपीज को परचेज भी नहीं करते तो आपकी जो भी पेमेंट है वो आप लोगों को रिफंड हो जाएगी। तो बात करते हैं इनकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो ये अमेरिकन पिटबुल टेरियर पपीज 30 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली मदनगिरी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पपीज को आप लोग इंडिया के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, क्योंकि ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। वैसे डिलीवरी उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता डायरेक्ट विजिट करना, बट अगर आप लोग एबल हैं तो प्लीज डायरेक्ट विजिट करके ही पपीज को परचेज करें, जो कि आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर इन पिटबुल टेरियर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो ये सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 12,500 रुपीज, यानी 12,500 रुपए। प्राइस नेगोशिएबल है, आप लोग बारगेनिंग भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इन जर्मन शेफर्ड पपीज के बारे में तो ये सिर्फ मेल ही अवेलेबल है और इनकी जो एज है वो 43 डेज हो चुकी है। और ये जर्मन शेफर्ड पपीज सिर्फ मेल ही अवेलेबल है और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 18,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपए। और इस प्राइस में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। तो गाइस, आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।